कॉस्ट अकाउंटिंग फिफ्थ सेमेस्टर चैप्टर है लेबर प्रॉब्लम नंबर 6। वैसे इस चैप्टर में टोटल 4 मेथड है, हालसे रोवन प्लान जो कि टाइम रेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, इसके अलावा टेलर एंड मेरिट डिफरेंशियल जो कि पीस रेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। अभी का जो प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो टेलर वाला प्रॉब्लम है, पीस रेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड। वो प्रॉब्लम कैसा होता है और उसे सॉल्व कैसा करना चाहिए, चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी ऑन स्ट्रेट पीस रेट बेसिस एंड टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में 8 यूनिट बना रहा। नॉर्मल रेट है 40 पैसा पर आवर, तो एक घंटे में यूनिट कितना बना रहा। सबसे पहले स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लो, अच्छा रहेगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और रेट ये मालूम करके रख लेंगे हम। तो पर आवर 8 यूनिट्स बन रहे और एक घंटे में रेट पर आवर क्या है, रेट पर आवर है 40 पैसा। तो एक घंटे में हम 40 पैसे दे रहे और 8 यूनिट बना रहे। अब सवाल यह है कि एक यूनिट को कितना पैसा दे रहे, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेट पर यूनिट 0. अमाउंट को कभी भी यूनिट से डिवाइड करना, तो इस तरह ये आ जाएगा 5 पैसे। ये तो आ गया रेट, रेट पर यूनिट। अब हम मालूम करेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अब देखो दिन है, एक दिन है 9 घंटों का, जैसा कि प्रॉब्लम में मेंशन करा आगे जाकर, इन्हें 9 आवर डे, तो 9 घंटों का दिन है। इस हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए 9 आवर और एक घंटे में 8 यूनिट बन रहे ना, यानी कि 72 यूनिट्स। तो 72 यूनिट्स बनने चाहिए एक दिन में। अगर कोई लेबर इससे कम बनाएगा तो वो कहलाएगा बिलो स्टैंडर्ड, इससे ज्यादा बनाएगा तो कहलाएगा अबो स्टैंडर्ड। बिलो स्टैंडर्ड होने पर उसको पनिशमेंट मिलेगा, यानी कि कुछ पैसा कम मिलेगा, और अगर ज्यादा बनाएगा अबो स्टैंडर्ड जाएगा तो पैसे बढ़कर भी मिलेगा। तो जैसे कि प्रॉब्लम में आके बतलाया है, मिस्टर ए प्रोड्यूस 54 यूनिट्स। अब देखेंगे हम, मिस्टर ए प्रोड्यूस्ड 54 यूनिट्स, इसका मतलब ये हो गया बिलो स्टैंडर्ड हो गया। तो बिलो स्टैंडर्ड को जो वेजेस पेमेंट करना है, डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड 80% ऑफ पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड एंड 120% अबो स्टैंडर्ड। बिलो वाले को 80% लगाना है, अबो वाले को 120% लगाना है। तो इसका वेजेस होगा, वेजेस इज इक्वल टू 54 यूनिट उन्हें बनाया इंटू एक यूनिट के 5 पैसे इंटू 80%। इस तरह इसका वेजस हो जाएगा, देखिए 2.16। उसी तरह मिस्टर बी का भी करेंगे। मिस्टर बी ने प्रोड्यूस किया है 75 यूनिट्स, तो ये तो अबो स्टैंडर्ड हो गया। इसका मतलब अबो स्टैंडर्ड, 72 से जो ज्यादा बनाएगा वो कहलाएगा अबो स्टैंडर्ड। तो इसको 120% मिलेगा अब वेजस। इसका वेजस होगा 75 यूनिट इंटू रेट है एक यूनिट का 5 पैसे इंटू 120%। इस तरह इसका अमाउंट हुआ 4.5। ये है टेलर डिफरेंशियल। अगर कभी हम ये टेलर डिफरेंशियल में ना करके, मतलब स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से करते होते, किए होते, तो क्या होता। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, मिस्टर ए जो कि 54 यूनिट बनाया, सीधा सीधा उसको एक यूनिट के 5 पैसे के हिसाब से दे दिया, ये हो जाएगा 2.7। मिस्टर बी ने 75 यूनिट बनाया है, अगर उसको सीधा सीधा पैसा दे दिया जाए तो ये होगा 3.75। लेकिन टेलर डिफरेंशियल की वजह से इसको और पनिशमेंट मिला, क्योंकि उसने कम बनाया, 2.7 की जगह उसको मिला 2.16। और इसको रिटर्न हुआ, यानी कि इंसेंटिव मिला, बोनस मिला समझ लो आप,
मिस्टर बी को 3.75 की जगह 4.5 मिला, समझे ना। तो जो स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाएगा उसको फायदा होगा, और जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसको नुकसान होगा। इस तरीके से टेलर का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए अभी प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि मेरिक का प्रॉब्लम है वो कर लेते हैं। मेरिक का प्रॉब्लम करते वक्त सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना कि मेरिक डिफरेंशियल क्या चीज है। मेरिक का एक अपना डिफरेंशियल सिस्टम है, मेरिक डिफरेंशियल्स, वो इस तरह है। अगर कभी कोई वर्कर 83% कैपेसिटी तक प्रोडक्शन करेगा तो उसको नॉर्मल रेट से पैसे मिलेंगे, वेजस मिलेगा। अगर उसका प्रोडक्शन 83 से लेकर के 100% तक का होगा तो उसको 110% मिलेगा, जो भी रेट है उसका 110%, 10% बढ़कर। और अगर कभी कोई वर्कर 100% के ऊपर का वर्क करेगा, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा माल बनाएगा, तब उसको 120% मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम में मौजूदा प्रॉब्लम जो कि स्क्रीन पे आपके पास है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अर्निंग ऑफ ए बी एंड सी, सी एंड डी सॉरी, अंडर मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 12 यूनिट्स पर आवर, नॉर्मल रेट 60 पैसा पर आवर, और इन एन 8 आवर डे ए प्रोड्यूस 64, बी प्रोड्यूस 96, सी प्रोड्यूस 84 एंड डी 100 यूनिट्स। अब ये प्रॉब्लम है, इसको कैसा सॉल्व करना, चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मालूम करके रख लेंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अब देखो 1 घंटे में 12 यूनिट बन रहे हैं और टोटल एक दिन में 8 घंटे हैं, इस लिहाज से 96 यूनिट्स हुए। अब इससे कम अगर कभी बनाएगा वो तो रेंज के हिसाब से हम देख लेंगे, खैर आगे की बात है, वो रेट भी मालूम कर लेंगे। चलो 1 घंटे में, 1 घंटे में हम 60 पैसा दे रहे हैं और 1 घंटे में 12 यूनिट बन रहे, इस हिसाब से 1 यूनिट का हुआ 5 पैसा। ये सब मालूम हो गया। अब चलो प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहले मिस्टर ए का हिसाब। मिस्टर ए ने प्रोड्यूस किया है, मिस्टर ए ने बनाया 64 यूनिट्स। अब इसको अगर कभी हम स्टैंडर्ड से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो उसका परसेंटेज मालूम होगा, तो ये आ जाएगा आपको देखो 66.67%। तो ये पहली कैटेगरी में गया, यानी कि 83% से भी कम प्रोडक्शन करा उसने, तो ये रेट के हिसाब से अप्लाई करेंगे वेजस। इस हिसाब से इसका वेजस होना चाहिए, 64 यूनिट उसने बनाया है, 0.05 बस और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा इसका 3.2 इसका वेजस। अब दूसरा करेंगे मिस्टर बी। मिस्टर बी ने प्रोड्यूस किया कितना यूनिट, 96 यूनिट, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कितना है वो भी 96 है, इंटू 100 करने पर इसका परसेंटेज मालूम होगा 100%। तो इसका जो रेंज है वो है दूसरा वाला, 100% कैपेसिटी पे उसने वर्क किया तो उसको उसकी मेहनत का अब 110% मिलेगा। चलो मैं इसका वेजस बतलाता हूं आपको करके, इस हिसाब से इसका वेजस होना चाहिए, 96 यूनिट उसने बनाया, 0.05 इंटू 110%, तो इसका अल्टीमेटली वेजस आ जाएगा आपके सामने 5.28। अब मिस्टर सी का देख लेंगे। चलो मिस्टर सी ने बनाया है कितने यूनिट, 84 यूनिट, डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100, ऐसा करने पर 87.5% आएगा, जो कि दूसरा रेंज है, ये वाला रेंज 110% वाला। तो अब इसका वेजस होगा, वेजस इज इक्वल टू 84 इंटू 0.05 इंटू 110%, तो ये हो गया आपका 4.62। और मिस्टर डी ने बनाया है 100 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100 करने पर ये लगभग 104% आएगा, यानी कि ये तो बहुत अबो स्टैंडर्ड चले गया, तीसरे रेंज में चले गया, 100% से भी ज्यादा।
तो इसका वेजस होगा इस तरह, वेजस इज इक्वल टू 100 यूनिट उसने बनाया 0.05 पर यूनिट इंटू 120%, ये आ जाएगा आपको 6 रुपीस। इस तरीके से मेरिट डिफरेंशियल सॉल्व किया जाता है।